जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना। भाई आज ना हमारे सामने है गाड़ी Z4 एंड Z8 लग्जरी। भाई दोनों गाड़ियां आप देख सकते हो, क्या इनका डोमिनेंस प्रेजेंस है। आप देखिए भाई, लेंथ वेट डायमेंशन में सब एक है, बट एक डिफरेंस है, वो आता है भाई प्राइस का। प्राइस में अगर मैं बात करूँ भाई, तकरीबन Z4 वेरियंट हमें 13.5 लाख का एक्स शोरूम प्राइस पेट्रोल मैनुअल का देखने को मिल रहा है। यहीं पर ये है Z8 लग्जरी, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 19 लैक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। इंजन प्रोफाइलिंग की अगर मैं बात करूँ भाई, 2000 cc का हमें इंजन देखने को मिल रहा है, जिसकी पावर 200 bhp की पावर है। साथ ही साथ 380 newton का हमें यहाँ पे टॉर्क देखने को मिल रहा है। तो दोनों गाड़ियों के इंजन सेम है, पावर टॉर्क सेम है, डायमेंशन सेम है, बट भाई टेंटिवली 5.5 लाख का यहाँ पे मोटा मोटा हमें डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। अब आज की इस वीडियो में ना हम लोग यही बात करेंगे कि Z4 और Z8 लग्जरी में क्या फ़र्क है, क्या क्या फीचर्स इसमें चेंज है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। या अगर आप लोग गाड़ी को देख रहे हैं, नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कन्फ्यूज़न है, तो भाई ये वीडियो आज आप ही के लिए है। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। मेरे सामने सबसे पहले भाई स्कॉर्पियो N का Z4 वेरियंट खड़ा है। सबसे पहले जो हमारी नज़र जा रही है ना, ये नज़र जा रही है सेटन सिल्वर फिनिशिंग पे। तो हमें यहाँ पे Z4 वेरिएंट में सेटन सिल्वर फिनिशिंग मिल रही है, प्लस ट्विन पीक महिंद्रा लोगो के साथ में। तो ये कुछ हमें फ्रंट में ऐसा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में लैंप्स की बात कर रहे हैं तो हेडलैम्प्स हमें हेलोजन हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, लो बीम हाई बीम के लिए। साथ ही साथ ये नीचे का पार्ट हमें यहाँ पे इंडिकेटर के लिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दैट्स इट, ये हुआ। नीचे अगर हम बात करें तो फॉग लैंप की जगह हमें यहाँ पे फॉग लैंप कवर मिल रहा है विद स्टिंग इंस्पायर्ड कैरेक्टर से। प्लेट जो लोअर पार्ट है इसका, स्किड प्लेट का, ये भी ब्लैक में मैट फिनिशिंग के साथ आ रहा है। अब Z8 लग्जरी पे आते हैं भाई, ये देखिए आमने सामने। दूर से तो इतना फ़र्क नहीं लग रहा, लेकिन दोस्त सामने से बहुत फ़र्क है। ये पार्ट आप देखिए, यहाँ पे हमें क्रोम एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो क्रोम एलिमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ ट्विन पीक लोगो सेम है, प्लस थोड़ा सा चेंज आप देखिए बम्पर की, यहाँ पे लोअर साइड की स्किड प्लेट का, तो सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हेडलैम्प्स पे आते हैं तो भाई एक डबल बैरल हेडलैम्प में हमारा ये हेडलैम्प प्रोजेक्टर पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नीचे स्टिंग इंस्पायर्ड हमें यहाँ पे डे टाइम रनिंग लैम्प देखने को मिल रहे हैं, प्लस ये यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉग लैम्प हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब तो भाई हेडलैम्प पे चलते हैं। डबल बैरल हमें यहाँ पे LED हेडलैम्प देखने को मिल रहा है विद सिक्वेंशियल साइड टर्न इंडिकेटर्स के साथ में। ये पार्ट हुआ। अब ये है फ्रंट से। इसमें फ्रंट में एक चीज़ और है, जो चीज़ है फ्रंट के पार्किंग सेंसर, एक इधर है एक इधर है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर और फ्रंट का कैमरा, ये देखिए भाई के साथ में भाई यहाँ पे एक ऊपर सेंसर मिल रहा है। तो ऑटो हेडलैम्प्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये हमें Z8 लग्जरी में देखने को मिल रहा है। तो टेंटिवली भाई 5.5 लाख का जो डिफरेंस था ना, वो फ्रंट में हमें यहाँ पे देखने को मिल गया कि क्या क्या चीज़ों में फ़र्क आ रहा है। अब एक बार हम लोग यहाँ पे साइड प्रोफाइल गाड़ी की देखते हैं। साइड प्रोफाइल में हमें यहाँ पे Z4 में भाई प्लेन डोर हैंडल देखने को मिल रहे हैं। यहीं Z8 लग्जरी में आप देखिए क्रोम फिनिशिंग के साथ में डोर हैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए भाई ये हुआ। साथ ही साथ नज़र डालिए ये यहाँ पे फुटरेस्ट पे, तो भाई ये मेटल का फुटरेस्ट है। Z8 लग्जरी में ब्लैक कलर का मिलेगा, यहीं Z4 में हमें सिल्वर फिनिशिंग का ये सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। प्लस आप इसका रूफ रेल देखिए, इंटीग्रेटेड रूफ रेल है ब्लैक कलर का, प्लस इसके अंदर ड्यूल टोन है ब्लैक और सिल्वर फिनिश के यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं। ये हुआ। दूसरा विंडो की क्रोम की लाइनिंग देखिए, इस पे स्टिंग इंस्पायर्ड Z8 लग्जरी में हमें क्रोम लाइनिंग मिल रही है, यहाँ पे वो चीज़ मिस है, ये हुआ। अब टायर की प्रोफाइल भाई, टायर की प्रोफाइल ना, ये जो गाड़ी है मेरे पास में ये पेट्रोल ऑटोमेटिक खड़ी है, बट अगर पेट्रोल मैनुअल होती तो दोनों टायर की सेम प्रोफाइल होती कि 17-17 इंच के दोनों टायर होते, बस Z8 लग्जरी में हमें अलॉय व्हील देखने को मिलते कुछ इस तरीके से, ये हुआ। अब आपको मैं एक बार ना रियर पे लेके चलता हूँ। रियर में आते हैं तो Z8 लग्जरी सामने है, तो रियर बिल्कुल सेम है, बस हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ Z4 में बिल्कुल प्लेन, दैट्स इट। एक चीज़ का है जो कि यहाँ पे हमें कैमरा मिल जाएगा Z8 लग्जरी में, कैमरा क्रोम फिनिशिंग और सिल्वर फिनिश का लोअर पार्ट,
बम्पर का देखने को मिलेगा जो कि हमें यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे हमें सिर्फ पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं दो लगे हुए, प्लस ये कुछ ऐसा नीचे से रियर में दिखेगा, ये पार्ट हुआ। बाकी तो सब सेम है भाई, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स है, स्पॉइलर है, शार्क फिन एंटीना दोनों का सेम है। अब गाड़ी में अंदर चलते हैं भाई। ये कुछ Z4 का इंटीरियर है, ये सारा ना पार्ट प्लास्टिक है, ये फाइबर मतलब ये सॉफ्ट टच लेदर में नहीं दिया हुआ, ये सारा पार्ट प्लास्टिक है इसका कंप्लीट डैशबोर्ड यूनिट। यहीं पे Z8 लग्जरी आप देखिए भाई, ये कंप्लीट सॉफ्ट टच यूनिट है, बहुत सही इसका बिल्ट है, स्टिचिंग क्वालिटी कुछ ऐसा मिल रहा है। सोनी के हमें स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं, बाकी सब सेम है। सीट्स की क्वालिटी, ये हमें लेदरेट सीट्स देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे बकेट सीट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये हमें यहाँ पे फैब्रिक सीट्स देखने को मिल रही हैं ब्राउन कलर की कुछ ऐसी। तो ये हमें यहाँ सीट्स की क्वालिटी Z4 में मिलेगी, Z8 लग्जरी कुछ ऐसा सीट की क्वालिटी रहेगी और लेदरेट सीट्स के साथ हमें ये गाड़ी यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये फर्क आ रहा है Z8 लग्जरी में, आप देखिए ग्रैब हैंडल जो आ रहे हैं हमें यहाँ सेटन क्रोम के दे रहे हैं, सेटन क्रोम हो गया, ऑटो फोल्डेबल ORVM हो गए, दैट्स इट। बाकी ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहीं Z4 के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये Z4 में बिल्कुल सिंपल प्लेन मिलेगा, ये कोई सॉफ्ट टच नहीं है, इट्स अ कंप्लीट प्लास्टिक ग्रैब हैंडल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, दैट्स इट। ये पार्ट हमें यहाँ ऐसे देखने को मिल रहा है। एक चीज़ और है, ये जो सोनी का स्पीकर यहाँ पे आप सेंटर में देख रहे हैं ना भाई, Z8 लग्जरी में ये आ रहा है, लेकिन Z4 में हमें वहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस मिल रहा है कुछ इस तरीके से। सो Z8 लग्जरी में हमें यहाँ पे पुश स्टार्ट देखने को मिल रहा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने को मिल रहा है, ये यहाँ पे कलर्ड हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगा Z8 लग्जरी में, और यहीं पे Z4 के अंदर हमें यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो भाई इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, मेरे चैनल पे नए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।